कहाँ गए सारे? दी नमस्ते नमस्ते कालू बुआ आई है तेरी। नमस्ते बुआ। नमस्ते। खाने को क्या लाई हो? इस बार तो मिठाई लाई हूँ। हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा पिछली बार की तरह केले लाई हो। दीदी बच्चा इसकी बात का बुरा मत मानो, ये तो ऐसे ही मजाक करता है। आप चलो उस वाले रूम में चलो, वहाँ बैठे मम्मी जी पापा जी। आ जाओ वो अंदर आ जाओ। वो मैं ऐसे कह रही थी वो पैसे निकल वाला ना अकाउंट में से, जरूरत है मुझे कुछ पैसों की। ठीक निकलवा लाऊंगा आज, निकलवा लाऊंगा। लक्ष्मी भाभी कॉफी बना बना के ला। तू कैसे आई? अभी तो गई थी, फिर आएगी? वो मैंने जमीन खरीदी है ना यही पास में, तो फिर सोचा आप लोगों को भी मिठाई देती चले। अच्छा किया। कितने जमीन लिया वैसा तूने? मैंने सिटी में 300 गज का प्लॉट लिया है पापा। फिर रुकेगी या जाएगी? सोच तो रही थी कि अब आई गई हो दीदी तो रुकी जाओ, रक्षाबंधन भी आ रहा है, क्या करोगी जाके फिर? हाँ राखी का तो बहुत टाइम है अभी, तब तक क्या करेगी रुक के? तो आपको दिक्कत है क्या मेरे से? मेरे क्या दिक्कत है, मेरी ओर से तो तू रो जा, मेरे क्या परेशानी है। पर आस पड़ोस वाले बात बनाए तो अच्छा नहीं लगे है कि छोरी रोज रोज पीहर मार के बैठी रहे, तो उनका सोचना पड़े ना, वरना मेरा क्या है, मेरी ओर से तो तू यही बस वाले। कॉफी भी क्यों पीऊं मैं, चली जाती हूँ। बुआ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और दादी सुनो, हम चाहे बुआ को कुछ भी बोल ले, हम वो मस्ती मजाक करते हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बुआ हमें बुरी लगती है, तो बुआ भतीजे के बीच तो मजाक चलता रहता है ना, हम तो ऐसे हंसी मजाक करते हैं। आप इस तरीके से कैसे बोल सकती हो? है बुआ का ये रह नहीं है, हक नहीं है बुआ का, बुआ रोने की जरूरत नहीं है। और बाबा आप भी इतने अंधे भी ना बनो कि मरती दादी का आपको बुरा बर्ताव भी दिखाई ना दे। बड़ा बुआ वाला हो रहा है आज तो, बच्चा बुआ में कहता है। हदी मचा के रखती है, मजाक करते हैं हम तो अलग चीज है, पर बुआ की भी तो इज्जत है ना, ऐसा थोड़ी होता है। देखा ये मेरा खून, ये मेरा असली खून है। आई समझ में? तुझे कालू जो चाहिए ना तू आज बोल, तेरे जो इच्छा हो ना वो मैं तुझे दूला के आज, तू बता क्या चाहिए तुझे। वो आपका वो 300 गज वाला प्लॉट है ना, वो मेरे नाम करा दो। ये तो पूरा खानदान ही एक जैसा है। ले 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 300 गज का प्लॉट। आपने तो बोला था कुछ भी मांग ले। तो जमीन थोड़ी दे दूंगी तुझे मैं। दादी जहाँ पे छोड़ी थी ना बात, वहीं से कंटिन्यू कर दो। वो छोड़ी थी ना कि बेटी बेटी गर्मी नहीं आनी चाहिए थी, और मैं बुरा लगता है, तो शुरू कर दो वापस से। कालू इतना मतलब ही होना भी ठीक नहीं है बुआ। ये जमाना मतलब ही है, अगर मैं सीधा रहा ना तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे, तो इस मतलबी दुनिया के साथ मतलब ही होना पड़ेगा। बैग पैक हो गया था ना? बस वो किताबों पे पन्नी लगानी बाकी है। तो पन्नी की तरफ ऊपर चढ़ाएगा। अरे दीदी वो मजाक में बोलते ना से फलाना काम तेरा फूफा करेगा, वो वाला था मैंने आपको टोंटर नहीं मारा है ना। हाँ तो हर बात में बुआ फूफा ही जरूरी है क्या तुम्हारे एग्जाम्पल देने के लिए? ज्यादा लोड ना लियो, मैं तो ऐसे ही देख रही थी कितना प्यार है मेरे लिए, मैं तो जाऊंगी आज शाम को। प्यार तो है ही, क्यों ना है प्यार? आपका प्यार तो देख लिया हमने, सब खबर है मेरे पास, कितना प्यार जता रही हो आजकल आप, सब खबर है। मैंने कुछ नहीं कहा दीदी को, कसम से। सब समझ में आ रही है मेरे कि ये घर की बात दूसरे तक कैसे जा रही है। ठीक है मैं दूसरी नहीं हूँ, दूसरी आप हो, आई समझ में? हे अच्छरी ज्यादा ना बोले वरना ऐसी जाएगी अभी भागती हुई, तूने मेरा असली रूप नहीं देखा अभी। अरे पापा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप? है इतना भी लुगाई के घाघरे में घुसने की जरूरत है? जब मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है फिर भी बोलना रहे कुछ? अब क्या बोलू मैं, अब ये कुछ नहीं बोल सकते, इनके अंदर का मर्द मर चुका है। इमरती माफी मांग मेंढी साबी का भी। क्या कह रहे हो? माफी माफी मांगे मेरी जूती। बाबा हाथ से निकली हुई औरत और बंदूक से निकली हुई गोली इंसान को मार के दम लेती है, याद रखना। बात तो लाख रुपए की है कालू तूने। दो तीन लाख रुपए करवाऊं के लाख रुपए
बेटे की बात तो जी अभी है। बेटे जमीन जायदाद सब मेरे नाम है, आई समझ में? तो मेरे सारे पे तो चलना ही पड़ेगा। ज्यादा सिर पे चढ़ के मुंह था ना, तो मेरे पोता भूरा के नाम कराए दूंगे पूरी जमीन जायदाद, आई समझ में? ये सारी चीजें घूम फिर के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती है? लग रहा है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत ओवर टाइम लेके लिखी थी। 10-15 मिनट लिए और भैया ले कालो तेरी किस्मत पोत दी काले कलर से कतई। कम से कम कुछ तो अच्छा लिख देता। लक्ष्मी किन राक्षसों के बीच में फंस गई तू? नॉर्मल इंसानों की तरह तो ये रह ही नहीं सके। कभी कुछ कभी कुछ मरो। इस घर का तो ऊपर वाला ही रखवाला है भैया। यहाँ तो पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे लग रहा है पूरा कलयुग इसी घर में आ गया। बचाए जा रही हूँ मैं तो, मरो तुम तो ऐसे। नमस्कार दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, और अगर ऐप भी में देख रहे हैं तो फॉलो करें, और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर जरूर कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत लगती है ना। और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, और बस मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, ठीक है? ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहो। नमस्कार, बंदे मातरम।